आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी लेके आई हूँ, बच्चों को से हम लोग किस तरीके से एक्टिविटी करा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं उनके लिए बैच बना के लेके आई हूँ। ये इस तरीके के दो बहुत इजी तरीके से एक बैच बना रखे हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को पता रहता है कि झंडे में कैसे कलर होता है और कैसा बना रहता है। तो ये सेफ्टी पिन के हेल्प से हम मैंने इस बैचों को तैयार किया है। तो अब क्योंकि बच्चों के स्कूल्स की तो छुट्टियां पड़ी हुई है, लॉकडाउन है, तो बच्चों को हम घर में ही इस तरीके की एक्टिविटी करा के एक तो बिजी भी रख सकते हैं और कल की तैयारी भी करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वाइट पेपर, कोई भी मोटा कार्डबोर्ड, स्केल, कैची, स्केच, ये सब। अब सबसे पहले हम कार्डबोर्ड को एक स्क्वायर शेप में काटेंगे, जो मैंने पहले से काट करके रखा है। अब सेम इसी साइज का हम वाइट पेपर में इसी साइज का काटेंगे। बच्चों को हमें इजी से इजी तरीके से सिखाना है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब हम सबसे पहले इस कागज में फ्लैग बनाएंगे, जो बच्चे स्केल की हेल्प से आराम से बना सकते हैं। तो ऐसे स्केल की हेल्प से इस तरीके से हम पहले हल्की पेंसिल करके बना लेंगे, क्योंकि अगर गलत हो गया तो हम इसे इरेज कर सकें। अब हमने सबसे पहले ऊपर केसरिया कलर, अगर वाटर कलर बच्चों को पसंद है तो हम वाटर कलर भी कर सकते हैं। अगर स्केच कलर बच्चों के लिए बहुत आसान रहता है तो इसलिए इसमें स्केच कलर भी कर सकते हैं। अब और सबसे नीचे हरा कलर, ग्रीन कलर। इससे बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है कि अच्छा 15 अगस्त आ रहा है, तो उसमें कुछ अलग भी कर सकेंगे बच्चे। बस इस तरीके से हमने अब बीच में 24 तिल्लियां बनानी है, तो हम लोग इस तरीके से इसकी तिल्लियां बना देंगे। अभी जो मेरा कार्डबोर्ड का पेपर था, ये मेरा एक साबुन का डब्बा था, तो इसमें थोड़ा जो बाहर का कवर है वो फिसलन वाला है, तो उसमें फेविकॉल और ये इस तरीके की चीज़ें आसानी से चिपकती नहीं है, तो मैंने उसका वो पेपर निकाल के इस तरीके से इसमें चिपका लिया, क्योंकि हमने सेम साइज का काटा था तो इसमें एकदम फिट आ गया है। अब हमें इसके पीछे सेफ्टी पिन चिपकानी है, तो सेफ्टी पिन के लिए वही कागज जो मैंने उसके इसी पट्टे में से निकाला था, उसको इस आर पिन की साइज का देखते हुए फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, क्योंकि फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा अच्छा रहता है और बहुत आसानी से निकलता भी नहीं है, तो हम इस तरीके से इसको ऐसे चिपका लेंगे और थोड़ा सूखने देंगे। बस सिंपल सा हमारा ये एक बैच तैयार हो चुका है। अब हम सेकंड बैच बनाने जा रहे हैं। हम सेकंड बैच भी सेम इसी कागज़ से सर्कल में बनाएंगे। ये सर्कल भी मैंने पहले से कट करके रखा है, तो हम वाइट पेपर में भी सेम इसी साइज का सर्कल कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है इसे करने के लिए, तो हम इस तरीके से इसमें पेंसिल की हेल्प से पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। अब इसमें यही हल्के हाथ से हमें हल्का लहराता हुआ तिरंगा बनाना है, तो आप पहले पेंसिल से ही इसको बनाएं
अब हमें जो स्केच कलर चाहिए, सबसे पहले ऊपर ऑरेंज कलर और नीचे ग्रीन कलर, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये मार्केट में लेने जाएंगे तो 10 से 15 रुपए के बीच में या इससे ऊपर ही आपको मिलेगा शायद, लेकिन हम ये बच्चों से इतनी इजीली हम घर में बनवा सकते हैं और बच्चे इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतना रियल में इतना इजी है कि बच्चे खुद बोलेंगे कि हमें बनाना है करके। थोड़ा बच्चों को इससे ये भी हो जाएगा कि घर में बैठे बैठे 15 अगस्त के बारे में जान भी सकेंगे कि 15 अगस्त को क्या हुआ था और ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, तो हम इस उनको घर में बता सकते हैं कि हम, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, तो हमने जो भी सिखाना है घर में ही सिखाना है। तो इस तरीके से हम लोग इस ये फ्लैग हमारा तैयार हो चुका है। अब वही सेम चीज़ कि मैंने, अगर आपके पास ऐसा बिल्कुल हार्ड वाला है ऐसा कोई पेपर नहीं है तो आप लोगों को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसका पेपर निकालें। तो ये इस तरीके से हमने चिपका लिया है और वही सेम जैसा हमने पहले वाले उसमें बनाया था, पहले वाले बैच में बनाया था, आलपिन की साइज का कट करके, मतलब आलपिन से थोड़ा छोटा ऐसे कट करके इसमें फैबिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं। फैबिक ग्लू क्योंकि फैबिकॉल और फैबी जो भी, मतलब मैंने भी बहुत सब चीज़ यूज कर चुकी हूँ पर इतना अच्छा आज तक मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला। तो इस तरीके से ये मेरा फेवरेट हो चुका है, क्योंकि जितनी भी मजबूत चीज़ें बनानी होती है या चिपकानी होती है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सेकेंड बैच तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।